Hello my bacha party, a very energetic good afternoon to everyone. So in this video I am going to show you दस दिन नहीं तुहानू दिखाई देवांगे. सो तुसीं कहोगे मैम सानू कार्टून दिखाने वास्ते बुलाया. नहीं कार्टून नहीं दिखाने, तुहाडे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने ने विद वेल प्रूफ. सो आबरा कड़ा आबरा और तुम्हारे सामने प्रस्तुति आ जाए तुम्हारे आंसर्स का छाबड़ा. ये क्या था, इट्स ओके बच्चों, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी एक्साइटेड. आई होप कि जिनी एक्साइटमेंट मैंने ये वीडियो बनाने के उन्नी ही एक्साइटमेंट के नाल पूरी की पूरी वीडियो देखोगे. एक्चुअली ना काउंसलिंग के टाइम कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह, सर्टिफिकेट नहीं कह सकते, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते होंगे, कुछ स्लिप्स वगैरह मिलती होंदिया ने. सो लकीली मेरी वो फोटो कॉपी करवाए हुए थे एंड मैनू नहीं पता कि मेरे को है भी ने, बट अनफॉर्चुनेटली जो तो मैं सारा कुछ लभन लगी कि तुहाडे लई वीडियो वगैरह प्रॉपर शूट करनी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम से अपन यह पूरा पूरा डॉक्यूमेंट होल्डर मिलिया जिद पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स ने एंड मेरे को लो स्लिप्स वगैरह भी ने. सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. ओके सो बेसिकली आई एम गोइंग टू शो यू. सो तुसी भी इस तरीके का अपने नाल कुछ होल्डर वगैरह लेके जाओ, बिकॉज पूरे दो साल तक तुसी अपने रियल डॉक्यूमेंट्स खुद सामने होंगे ने. और उस तो इलावा जेडे तुसी अपने लाइक यू नो जिहड़े भी तुहाडे सारे डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपीज एंड एवरीथिंग तुसी खुद सामने होंदिया ने. सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आपां शुरू करदे आ. सो सब तो पहला रजे मैं तुहानू ओह वाली चीज़ दसनी है जिहड़ी मेरे को इत्थे डॉक्यूमेंट्स हैगे ने, उस तो इलावा मेरे को कुछ इत्थे नहीं हैगे जिहदे जिहड़े लाइक पता ही हुंदे ने कि उह लैके जाणे ने, उहदी मैं तुहाडे लई लिस्ट तैयार करती हुई है. सो सब तो पहला राजे जिहड़ा तुहानू डॉक्यूमेंट चाहिदा उह तुहानू चाहिदा है स्कूल छड्डन दा सर्टिफिकेट चाहिदा है. हुण तुसीं कहोगे मैम स्कूल छड्डन दा सर्टिफिकेट असीं कित्थों लैणा है, जिथे असीं टेंथ कीती है या जिथे असीं प्लस वन कीती है. सो देखो जिहड़े बच्चों ने प्लस वन दे विच एडमिशन नहीं ली तो ओबवियसली उह स्कूल छड्डन दा सर्टिफिकेट अपने दसवीं वाले स्कूल तो लैणगे. हुण जिहड़े बच्चे इलेवंथ कर रहे हैं और उन्होंने प्रॉपर नेम वगैरह हजे उस स्कूल च नहीं चढ़े, वो बच्चे भी अपने टेंथ क्लास दे स्कूल तो ही सर्टिफिकेट लैणगे. लाइक जो मैं टेंथ च सी तां मैं इलेवंथ दे विच किसी होर स्कूल दे विच लगी सी, लेकिन मैं स्कूल छड्डन दा सर्टिफिकेट अपने टेंथ वाले स्कूल तो ही लिया सी. सो दैट मीनस अगर तुहाडा नेम वगैरह चढ़ चुका है तो तुसीं इलेवंथ क्लास तो लैके आओगे, इलेवंथ क्लास वाले स्कूल तो लैके आओगे, अदरवाइज टेंथ क्लास वाले स्कूल तो तुसीं अपना स्कूल छड्डन दा सर्टिफिकेट लैके आओगे. ठीक है, बेसिकली मैं तुहानू दिखा दिंदी हाँ स्कूल छड्डन दा सर्टिफिकेट. बेसिकली एक तुहानू इस तरीके नाल मिल जाएगा जिहदे च तुहाडे प्रॉपर स्कूल दा नेम होएगा, उस तो बाद है ना अपने कोल इत्थे दिखिया होएगा कि स्कूल छड्डन दा सर्टिफिकेट हुंदा है, जिहदे च तुहाडा प्रॉपर नेम वगैरह होएगा, तुहाडे पेरेंट्स दे नेम होणगे, सारा कुछ. बेसिकली तुसीं की लैणा है ना विच की है तुहानू सर्टिफिकेट तक मतलब है, जिहदे विच बेसिकली तुहाडे इत्थे प्रिंसीपल सर या हैड मास्टर दे साइन होणगे और इधर तुहाडे इंचार्ज दे सिग्नेचर होणगे. सो बेसिकली इस तरीके दा अपना एक स्कूल छड्डन दा सर्टिफिकेट है. अपनी कॉपी पेंसिल नाल लैके बह जाओ, लिख लो साइड बाय साइड के तुहानू की चाहिए. एक हो गया स्कूल छड्डन दा सर्टिफिकेट. ठीक है, तुसीं यकीन नहीं मन्नोगे मेरे को 6-7 फोटो कॉपियां इस टाइम स्कूल छड्डन दे सर्टिफिकेट दियां ने, क्योंकि साथों इन्ने इन्ने ही सर्टिफिकेट्स मंगाए गए सीगे. सो चलो ये अपने हो गए स्कूल छड्डन दे सर्टिफिकेट, ये सारे मेरे को फोटो कॉपीज ने उही डॉक्यूमेंट स्कूल छड्डन दे सर्टिफिकेट दियां. उस तो बाद रजे अपने कोल आ जांदा है आचरण सर्टिफिकेट. ठीक है, बेसिकली करैक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है. देखो करैक्टर सर्टिफिकेट दो तरीके के होंगे ने, कई बार जिम्मे अपने DMC आते हैं ना उस तरीके के, अपने कई बार लाइक इस तरीके का होंगे, मैं सिर्फ तुम्हें उपरला पोर्शन दिखा दी हाँ लाइक इस तरीके का जो अपना स्कूल छड्डन का सर्टिफिकेट वो होंगे. ठीक है, नहीं अदरवाइज कई स्कूलों के अजे ही नहीं आए होंगे तो इदा की जी है इदा के मतलब पेपर से भी लिख के दे देंगे कि इस तरीके का जो लाइक अपन स्कूल छड्डन का सॉरी आचरण सर्टिफिकेट अपना यह हो जाता. ठीक है, जिसे बेसिकली नेम होंगे पेरेंट्स ने नेम वगैरह होंगे ने, और नीचे बेसिकली इतने तुहाडे साइड के सर प्रिंसीपल सर के साइन होंगे और एक साइड तुहाडे जिहड़े हैगे ने इंचार्ज के साइन होंगे. सो ये भी आचरण सर्टिफिकेट चल जाएगा. अदरवाइज राजे इस तरीके के फॉरमेट के जो अपना ऑफिशियल लाइक करैक्टर सर्टिफिकेट होंगे वो तुहानू मिल जाएगा. ठीक है, सो ये वगैरह तुसीं देख लियो, एक बार अपने स्कूल नाल कॉन्टैक्ट करोगे, ये बेसिकली तुहानू टेंथ के स्कूल चो मिलेगा. ठीक है, सो टेंथ वाले स्कूल के जाके तुसीं उन्हां तो अपना करैक्टर सर्टिफिकेट मांग लियो, वो तुहानू भर के दे देंगे. ठीक है जी, सो ये हो गया होएगा. आई होप दिस इज क्लियर. सो हुण तक तुहाडे दो डॉक्यूमेंट हो चुके ने, एक तो हैगा जिहड़ा तुसीं स्कूल छड्डन दा सर्टिफिकेट लैके आना और एक करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया. ठीक है, दो हो गए तुहाडी लिस्ट च ऐड, फटाफट ऐड करी चलियो. ठीक है, सारा कुछ. उस तो बाद रजे नंबर थर्ड एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर मैडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट. बेसिकली यही ना किसी कैफे वगैरह के निकल जाते हैं, उन्होंने बोल दो जाके कि सानू एक मैडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए है, वो तुहानू इस तरीके के फॉरमेट के कड के दे देंगे या जिहड़ा भी अजकल फॉरमेट ट्रेंडिंग के वे बेसिकली तुसीं इत्थे अपना नाम लिखोगे, इत्थे अपने पेरेंट्स का मतलब और जिहड़ा भी भर रहा है ना, बेसिकली आ चीज़ों का आप अपने हाथ नाल फिल कर देने, स्टैंप वगैरह डॉक्टर तो लगती होंगी है. सो ये सारिया चीज़ा तुसीं लै जानिया ने भर के, उस तो बाद जिहड़े भी डॉक्टर वगैरह या जिथे भी तुसीं चैकअप कराओगे अपना है ना, उतों ये सारा कुछ करवा
ਕਰ ਵੂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੰਬ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਫ ਗਰਜਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਭਰਵਾ ਭਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਰਾਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਔਰ ਪਾਪਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸੋ ਰਾਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਈ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਚਲੋ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਅਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟੈਕ ਲੋਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਪ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕੁਲੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕੁਲੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟੈਕ ਲੋਕਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਰਨਲ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਐਸ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆਫ ਪਾਸਬੁੱਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਲਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ
कृपा करके उन्हें ठीक करवा लो, हजे तुहाडे कोल टाइम हैगा नहीं, अगे जाके भी तुहानू बहुत सारियां दिक्कतां दा सामना करना पएगा। सो राजे ए वाली चीज़ होगी, उस तो बाद एंड फाइनली जिस चीज़ का तुहानू इंतजार है तुहानू वो दिखा दिंदे आ। तुसी देख सकते हो राजे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर पुअर एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स काउंसलिंग स्लिप 2016, ठीक है। तो तुहानू पता ही है कि मैं 2016 दे विच 10th पास आउट हाँ, सो उस टाइम मेरा यह काउंसलिंग स्लिप मैंने मिली हुई है, जिदे विच पहला तो ही मेरी कुछ बेसिक इनफॉर्मेशन लिखी हुई है, जिदे विच फिर नीचे काउंसलिंग डिटेल्स लिखी हुई हैं। सो तुहाडे कोल भी एक इदां दा ही डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है, तुहाडे कोल भी रजे एक इदां दा ही डॉक्यूमेंट आएगा। लैट मी एक बार जूम कर लिए, आई होप क्वालिटी सही होवे। ओके, जिवें तुसी देख सकते हो मेरा जो मैरिट नंबर आया सी 1232 आया सी। बच्चों डोंट जज, हाँ डोंट जज मी। सो ये नहीं कहना कि मैम थोड़ा इन्ना पिछा आया सी, बेसिकली मैंने भी आज ही पता लग्या कि मेरा इन्ना सीगा, उदों तो मेरे याद नहीं सीगा। काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट मेरी लुधियाणा सी, काउंसलिंग लोकेशन आपां नूं दित्ती हुंदी है, तुहानूं भी जो तो पूरा दा पूरा स्लिप मिलेगी, हरेक चीज़ उस मैनशन होएगी, तुहाडा मैरिट नंबर किन्ना है, तुहाडी काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट कि आई है, फिर तुहाडी लोकेशन दित्ती होएगी कि तुहाडी कि लोकेशन है। जिवें मेरी लोकेशन सीगी शहीद आजम सुखदेव थापर GSSS भारत नगर लुधियाणा बैक साइड ESI हॉस्पिटल, ठीक है। मैंने बहुत परेशानी आई सी ये वाली लोकेशन लभन के, मतलब असी वो लोकेशन तो ऑपोजिट ही चले गई सी। सो अपना मैप वगैरह प्रॉपर नाल रखियो। काउंसलिंग डेट तुसी देख सकते हो, मैंने पहला जून च लगती सी, लेकिन मैंने अज ही मैं जो देखा तो मैं पता चलिया कि जी काउंसलिंग डेट सी 8 जुलाई 2016 मेरी काउंसलिंग हुई सी। सो यदा मतलब राजे कुछ भी लेट नहीं चल रहा, जो बच्चों लग रहा कि मेरिटोरियस स्कूल लेट चल रहे हैं, तुसी देख लो 2016 की स्लिप है और उदो भी ये सारा कुछ एवें ही हुंदा सी, ठीक है। ठीक है जी, उस तो बाद राजे 8 जुलाई 2016 और रिपोर्टिंग टाइम तुसी देख सकते हो 9 बजे का है, ठीक है। सो इस तरीके नाल तुहानू स्लिप मिल जाएगी, जिस दिन भी तुहाडा रिजल्ट आ जाएगा प्रॉपर उत्ते वेन्यू वगैरह सारा कुछ डिसाइड होएगा। जिहड़े बच्चों की 8 नूं नहीं होएगी उत्थे बस इत्थे डेट्स वगैरह चेंज हो जाएगियां तुहाडियां जिहड़े भी तरीक नूं होएगी, ठीक है जी। उस तो बाद राजे जदों तुहाडी काउंसलिंग हो जाती है फिर फाइनली एंड फाइनली तुहानू उस दिन काउंसलिंग वाले दिन एक सर्टिफिकेट मिलता है। तुसी देख सकते हो इन्होंने डीयर जशनप्रीत कौर यानी तुहाडा जिहड़ा भी नेम होएगा तुहानू कॉन्ग्रेचुलेट करनगे कि फाइनली तुसी अपने ड्रीम स्कूल च जा रहे हो। उन्होंने की लिखा हुआ है दैट वी कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड आर प्लीज टू कन्फर्म योर एडमिशन इन क्लास 11th नॉन मेडिकल स्ट्रीम इन सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल लुधियाना। कि असं बहुत तुम पहली गल तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और फिर मतलब तुहाडी जिहड़ी 11th क्लास के एडमिशन है वो कन्फर्म हो चुकी है नॉन मेडिकल स्ट्रीम के और जो सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल लुधियाना, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने लिखा हुआ है द स्कूल एंड स्ट्रीम अलॉटेड टू यू इज प्योरली बेस्ड ऑन द मैरिट एंड एज पर द चॉइस ऑफ स्टेशन एंड स्ट्रीम गिवन बाय यू ड्यूरिंग काउंसलिंग हेल्ड ऑन 8 जुलाई 2016। तो तुहानू इत्थों ये चीज़ पता होनी चाहिए है कि काउंसलिंग वाले दिन एक तो हाथों ही यूअर चॉइस मतलब तुहाडी चॉइस के अकॉर्डिंग तुहाडा स्टेशन ते स्ट्रीम जिहड़ी सीट के अकॉर्डिंग तुहाडी उही चीज़ा हुंदियां ने, क्योंकि कई बच्चों की लगता है कि जिस दिन ये तुहाडी काउंसलिंग हुंदी है तुहाडे तो कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, है ना, कि साडा जिवें पेपर हो रहा हुंदा उस तरीके की काउंसलिंग नहीं है राजे। तुहाडे डॉक्यूमेंट चैक होणगे और उहदे बेसिस ते तुहानू स्टेशन और स्ट्रीम जिहड़ी हैगी आ उह दित्ती जाएगी। सो इन्होंने मैनू साफ साफ तुसी देख सकते हो लिखिया होया कि जिहड़ी तुसी चूज़ कीता सी उह स्टेशन ते स्ट्रीम तुहानू इत्थे मैनशन होई हुई है। उन्होंने लिखिया है कि यू विल रिपोर्ट टू अबव स्कूल यानी ए वाला जिहड़ा तुसी स्कूल चूज़ करोगे उत्थे तुसी रिपोर्ट करना है फॉर एडमिशन एनी डे फ्रॉम 20 to 22 जुलाई 2016। मतलब उन्होंने की किया सीगा कि बेसिकली 2-3 दिन हमेशा ही मिलते हैं कि 20 तो लैके 21 जुलाई यानी 20 नूं भी जा सकते हो 21 नूं भी ते 22 तरीक नूं भी तुसी जा सकते हो। ये 3 दिनों के किसी भी दिन जाके तुसी अपनी एडमिशन ले सकते हो। तुसी देख सकते हो उत्थे स्टेशन अलॉटमेंट ऑफिसर इतने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के सिग्नेचर ने। सो बेसिकली एक तो तुहानू आह स्लिप मिलेगी जिस तुहाडा वेन्यू आएगा पूरा कि कित्थे तुहाडी काउंसलिंग है और उस तो बाद जिस दिन तुहाडी काउंसलिंग होगी तुहानू एक इदां दा सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिहदे च तुहानू कॉन्ग्रेचुलेट करके तुहानू आउण दे लई मतलब कह लो संदेशा मिल जाएगा कि भाई तुसी 19 तरीक नूं अपना समान वगैरह चक के आ जाओ। सो राजे इह सीगा। सो इस दे रिगार्डिंग हुण मैनू नहीं लगता किसी बच्चे नूं कोई डाउट होना चाहिए, लेकिन स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी डाउट तो आप देखते हैं थोड़े दिन तक या तो अज शाम ही कोई आप लाइव क्लास रख लें जिदे अगर जेई वगैरह मतलब जेडे बच्चे उन्होंने कोई डाउट वगैरह होया और डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग जो हजे भी किसी को डाउट होया तो क्लीयर कर लियो। सो आई होप य सारिया चीज़ा क्लीयर होनगियां। बेसिकली मेरा मकसद से सूँ यही दसना कि किस तरीके काउंसलिंग प्रोसैस चलता है कि रिजल्ट तो बाद इस तरीके की तुहाडे कोल स्लिप आ जाएगी और तुसी बेसिकली जिवें अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह फिल करके जिवें एडमिट कार्ड डाउनलोड किए से उस तरीके नाल ही डाउनलोड हो जाएंगे। फिर जिस दिन तुहाडी जिहड़ी हैगी काउंसलिंग होएगी तुहानू इस तरीके का एक पूरे का पूरा दे दिता जाएगा। और सब तो इंपोर्टेंट चीज़ यही है कि जदों तुसी स्कूल जाओगे मतलब मान लो मैं 20 नूं गई हां 21 या 22 जिहड़े भी दिन तुसी जाओगे
यानी तुहाड़ियां डेट्स के अकॉर्डिंग तुसी जिहड़ी भी दिन जाओगे तो तुहाडे कोल आ वाला जिहड़ा सर्टिफिकेट है वह कंपलसरी होना चाहिए है। ए वाली सर्टिफिकेट तो बिना तुहानू उत्थे रखा नहीं जाएगा, बिकॉज यही एक इदां दा प्रूफ है जो ये मतलब ये साबित करेगा कि हाँ साडी काउंसलिंग हुई है और सानू जिहड़े हैगा स्टेशन दिता गया है। सो आई होप राजे दिस इज़ क्लीयर टू एवरी वन, एंड इफ यू पीपल स्टिल हैव एनी डाउट दैन आप फिर अज लाइव क्लास रख लें उस मिलते हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू माई बच्चा पार्टी। आई होप तुसी भी इन्हां दे वांगू हूँ थोड़े जे टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ओके।